पाइला जातीय शिक्षा अनुष्ठान रैंकिंग। आईआईटी माड्रास क्रमागत षष्ठ थर पर श्रेष्ठ शिक्षा अनुष्ठान। नवम थर श्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज हैला आईआईटी माड्रास। तीन कैटेगरी सह 16 कैटेगरी रे रैंकिंग प्रकाश। एनआईआरएफ रैंकिंग रे ओडिशारु आगरे रही सोआ। केंद्र शिक्षा मंत्रालय पक्षरु प्रकाश पाई जातीय शिक्षा अनुष्ठान रैंकिंग। नुआदिल्ली भारत मंडपम रे केंद्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एहार लोकार्पण करिछंती। गत वर्ष 13 कैटेगरी रे रैंक घोषणा करा जायथिबा बेले चलित थर आउ 3 एथिरे जोड़ी होईछि। स्टेट यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, स्किल यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ओपन यूनिवर्सिटी एथर नुआ करी जोड़ी होईछि। एथर टॉप 100 ओवरऑल रैंकिंग रे प्रथम रे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी माड्रास रहीछि। ओडिशार सोआ यूनिवर्सिटी 24 और किट यूनिवर्सिटी 28 नंबर रे रहीछि। सेहिपरि यूनिवर्सिटीज रे प्रथम स्थान रे रहीछि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इंजीनियरिंग कैटेगरी रे भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी माड्रास प्रथम स्थान रे रहीछि। विभिन्न स्ट्रीम रे देशर प्रथम 10 उत्कृष्ट विश्वविद्यालय को पुरस्कृत करिछंती केंद्र शिक्षा मंत्री। और 2016 अनुवाद अभी तक इसको मिला के 9th एडिशन की एनआईआरएफ की रैंकिंग हुई है। आज जिन इंस्टीट्यूशंस को इस रैंकिंग फ्रेमवर्क में सम्मान मिला है, मैं सभी को बधाई देता हूं। 16 कैटेगरी में इस बार रैंकिंग किया गया, 3 नए कैटेगरी को इस बार जोड़ा भी गया है। आने वाले दिनों में रैंकिंग और बहुआयामी हो, मल्टी डायमेंशनल हो, उसको भी ध्यान रखा जाएगा। एनआईआरएफ रैंकिंग रे ओडिशारु आगरे रही सोआ विश्वविद्यालय। टॉप 100 यूनिवर्सिटी रे सोआ 14 और किट 15 रैंक रे रही। सेपरी टॉप 50 रिसर्च इंस्टीट्यूशन भितर ओडिशार एनआईटी राउरकेला 30 नंबर रैंक रे स्थान पाई, किट 46 नंबर और सोआ रही 50 नंबर रैंक रे। टॉप 50 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी भितर ओडिशार उत्कल विश्वविद्यालय 42 नंबर रे रही। टॉप 100 इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय रे ओडिशार एनआईटी राउरकेला 19 नंबर, सोआ 26 नंबर, किट 37, आईआईटी भुवनेश्वर 54 और सीबी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी 96 रैंक रे रही। टॉप 40 लॉ रे भी सोआ 9 नंबर रैंक रे अछि। टॉप 100 मैनेजमेंट स्कूल मध्यरु जाभियर यूनिवर्सिटी 43, आईआईएम संबलपुर 50, इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट 61, सोआ यूनिवर्सिटी 62 और किट 67 तम स्थान रे रही। हार्दिक बधाइयां शिक्षा अनुसंधान के पूरे परिवार को कि आज अभी अभी जो इंडिया रैंकिंग्स 2024 का समारोह समाप्त हुआ, जो कि 9th एडिशन ऑफ एनआईआरएफ है, उसमें शिक्षा और अनुसंधान ने पहले की भांति बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जो ओवरऑल रैंकिंग है उसमें हम टॉप 25 के अंदर है, हमारा रैंक 24 है। और पहले की तरह जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें हमने और इम्प्रूव कर लिया है और टॉप 20 के अंदर हमारा रैंक नंबर 14 है। आजीरो का जो रिजल्ट बाहरी आम गत वर्ष 15 नंबर रही, तो ए वर्ष आम गोटे रैंक बढ़ीचु 14 नंबर यूनिवर्सिटी कैटेगरी। सेमती 26 नंबर थी गत वर्ष ओवरऑल, ए वर्ष आम 24 से पहुंचीचु। तो ये इम्प्रूवमेंट आम विभिन्न क्षेत्र जो अच्छी तार पारामीटर से पारामीटर अनुसार आम काम कर रिसर्च इनोवेशन इंटरडिसिप्लिनरी इनोवान क्वालिटी एजुकेशन फैकल्टी क्वालिटी कोलाबोरेशन तो ये सब पेटेंट्स सब विभिन्न दिगरे आम आउटरीच प्रोग्राम से काम करिया जो आम रैंकिंग बढ़ी पार्टी। मुझे चाहूंगी कि जो स्किल डेवलपमेंट की आउ जदि किसी बेस्ट प्रैक्टिसेस अच्छी जो अन्य कॉलेजेस और इवन फॉर दैट मैटर आईआईटी तांकुटु आमे सिखू और मिरांडा हाउस को आमे पूरी नंबर 1 पे नहीं आसु। नुआ दिल्ली रु कैमरामैन आदित्य प्रसाद पंडांक सह गगन बिस्वाल और मनोज महंती का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।